फ्रेंड्स, मेरा चैनल दौड़ीगनों की तरफ से आप सबको स्वागत है। मेरा आज का रेसिपी है पोटैटो फिंगर। पोटैटो फिंगर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? बॉइल्ड आलू, सूजी, अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, धनिया पत्ता, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक, चीनी, चाट मसाला, काला नमक, ओरिगानो और रिफाइन ऑयल। पहले पैन में 1.5 कप पानी डालना है, फिर 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चीनी डालना है। फिर पानी बॉईल होने के बाद 1 कप सूजी डालना है। फिर इसको लगातार चलाते रहना है, नहीं तो लम्स बन जाएगा। और इसको कुक करने का टाइम गैस का फ्लेम को लो रखना है। कुक करना हो गया है, अभी इसको ढक्कन से कवर करके 2 मिनट रखना है। 2-3 मिनट हो गए हैं, इसको हल्का गर्म रहते सारे मसाला इसमें मिक्स करना है। 2 बड़ा साइज का आलू को बॉईल करके छिलका निकल के फिर ग्रेट कर लिया, अभी इसको डालना है। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला, अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून ओरिगानो। आपके पास अगर ओरिगानो अवेलेबल नहीं है तो इसके बदले में आप कोई भी पसंदीदा मसाला डाल सकते हैं। अभी बारीक कटी हुई धनिया पत्ता डालना है, फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है। अभी हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के इसका शेप देना है। अभी इसको मीडियम से हाई फ्लेम में फ्राई करना है और फ्राई करने का टाइम कढ़ाई में एक साथ ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो चिपक जाता है। थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद इसका ऊपर थोड़ा सा काला नमक डाल सकते हैं। बस रेडी हो गया है पोटैटो फिंगर। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।